अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम फ्रैक्शन को रेशियो को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर निस्बत क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर निस्बत 4:30 तो रेशियो बोल देना मुझे बोले कि हर अदद में फर्क करेंगे, जो पहला अदद है वो है 4x, क्योंकि ये कल भी मैंने बताया था कि सेम जो है वो मकदार होनी चाहिए, हम किसान एक जैसे, तो ये भी 4x है, 4 times x, और ये 30 times x, ये हमारा हो गया दूसरा अदद। ठीक है, वे 10 जमा करें तो हम नई निस्बत 1:2 या 1:2 हासिल करते हैं। अदद क्या है? ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन हल फर्ज करेंगे, पहला अदद वो है 4x, क्योंकि 4 times इसका ये x जो है इसका यूनिट है, जैसे 4 rupees, 4 kilograms, ऐसे ही मैंने लेट किया है 4x। जो दूसरा अदद है वो है 13x। ठीक है, दी गई शर्त के मुताबिक जो हमें इधर शर्त बताई गई है कि उसके जो अदद हमने लेट किए हैं 4x पे 10 जमा करें दोनों में, इसमें लहदा इसमें लहदा, तो हम नई निस्बत 1:2 हासिल करते हैं। हासिल मतलब है इक्वल, 4x में पहले अदद में 10 को ऐड किया रेशियो दूसरे अदद में 13x में 10 ऐड किया, तो हमें 1:2 हासिल होती है, इक्वल मैंने हासिल होती है। ये हमारी जो है ये है निस्बत की शक्ल में रेशियो का फॉर्म है। अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है बटे में, जहाँ पर रेशियो का साइन है इसको हमने इसमें फ्रैक्शन में चेंज कर दिया बटे में, तो इधर भी रेशियो को बटे। ठीक है, हमारे पास जो बनेगी क्वेश्चन वो बन जाएगी 4x + 10 / 13x + 10 = 1/2। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 13x वाली बड़ी है इसलिए इसको पहले लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके और इसको 2 से, क्योंकि ये छोटी आ रही है, तो 1 को 13x से मल्टीप्लाई किया 13x + 10, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगी, बाहर 1 है, 1 का जहाँ तक टेबल पड़े वही आ जाता है। 2 4 times 8x 2 10 times 20। अब यहाँ क्लियर देख सकते हैं 8x छोटा है, 13x बड़ा है, तो इसको राइट से लेफ्ट पे लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज हो गया माइनस 10। इधर 20 बड़ा है और 10 छोटा है, इसका साइन इधर आके चेंज हो गया माइनस 10। 13x को 8x माइनस किया 5x, 20 में से 10 माइनस किया 10, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 5 1 5 5 2 times 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब हमने पहला आदत जो हमने लेट किया था 4x है, तो x की जगह 2 वैल्यू दर्ज की, 4 2 times 8, ये हमारा आ गया पहला आदत। दूसरा आदत वो था 13x, इधर से x की जगह वैल्यू पुट की तो 32 times 20, तो लिहाजा जो मतलब आदत है 8 ये वाला और 26 ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलोग्राम की कीमत बनोग कीजिए। ये है डायरेक्ट वेरिएशन, एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर 5 किलो वजन पर से 8 किलो 3 किलो का फर्क आ गया तो इसकी जो कास्ट है रुपीज़ है उसमें भी इजाफा होगा, साफ देखने में पता चल रहा है। फर्ज करेंगे जो 8 किलोग्राम आमों की कीमत है वो फर्ज कर ली एक्स रुपये है, क्योंकि हमने इसको बलोक करना है, फिर इसको हम लिखेंगे रेशो फॉर्म में, रुपये रेशो किलोग्राम, दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन क्या तलक है। ठीक है, वेरिएशन का मतलब हमने पढ़ा था, उसका मतलब होता है मकूस रास्त, तनासब रास्त, तनासब मकूस, दो डायरेक्ट होती है। तो ये हमने देखा 250 क्या है रुपये, और इसकी 8 किलोग्राम कीमत जो है एक्स रुपये, किलोग्राम कितने हैं 5 और यहाँ पर कितने हैं 8, तो इनको हमें एरो लगाना है क्योंकि इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम किलोग्राम आम बढ़ाएंगे वजन, उनकी जो प्राइस है वो बढ़ रही है, तो ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन, जिसे बोलते हैं तनासब रास्त। एक चीज़ के बढ़ने से, एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार भी बढ़े, और अगर एक मकदार कम हो तो दूसरी कम हो, उसको बोलते हैं तनासब रास्त। तो एक्स ऊपर को ऐड हुआ है तो एक्स ने पहले आना है और 250 और 250 ने नीचे आना है। ठीक है, इधर 8 पहले आना है और 5 ने नीचे, ये हमने लिखा फ्रैक्शन की शक्ल में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 250 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो 5 1 5 5 5 5 25, 0 का 0 आ गया, तो 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 8 0 times 0 8 5 times 40, तो एक्स की वैल्यू है वो है 400 रुपये, मतलब कि जो 8 किलोग्राम आम है उनकी कीमत 400 रुपये होगी। तो आपको पता चल गया कि 5 किलोग्राम डाइस हो गए थे, 8 किलोग्राम जो है वो 400 गए, तो ये हमारे पास तनासब रास्त की मिसाल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, अगर 8:B जो है उसकी वैल्यू दी गई है 7:6 हो तो
3a + 5b = 7b - 5a की कीमत को कीजिए। ये हमें मालूम है, गिवन है, ठीक है, कि इसको यूज करना है और इसकी कीमत निकालनी है, ठीक है। पहले इसको हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, a रेशो b की वैल्यू दी गई है 7:6, इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन की शक्ल में, कसर की शक्ल में, a बटा b या a ओवर b इक्वल है 7/6। अब हम इसको यूज करें अपने क्वेश्चन को, जिसको हमने फाइंड आउट करना है 3a + 5b = 7b - 5a। ये फिर रेशो फॉर्म में, इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, रेशो को हम फ्रैक्शन में कर देंगे, 3a + 5b = 7b - 5a। शुमार कुंदा और मुखरज को, शुमार कुंदा बोलते हैं ऊपर वाली को और नीचे वाली को बोलते हैं मुखरज, वो b पर तकसीम कर देते हैं, b पर इसलिए करेंगे ताकि ये शक्ल बन जाए, 3a + 5b ऊपर शुमार कुंदा को डिवाइड किया b पे, फिर मुखरज को 7b - 5a को b पे। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, 3a के नीचे लहदा b को, 5b के नीचे लहदा b, 7b के नीचे लहदा b और -5a के नीचे लहदा b, b b से कटिंग हो गया। अब इसको हम शक्ल देंगे फॉर्मूले उसकी, कीमत बन जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a + 5b / 7b - 5a = 3, और इसको जिसकी कीमत निकालनी है इसको लगा देना है ब्रैकेट, ब्रैकेट की शक्ल में प्लस 5 7 - 5, इधर फिर ब्रैकेट की शक्ल में 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है a b से, a और b से। अब a और b की जो कीमत है क्वेश्चन नंबर 1 से हम दर्ज करेंगे इधर, ठीक है, 7/6, तो 3 और ऐसे का वैसे आ रहा है, a और b की कीमत है 7/6 प्लस 5 7, ये वाला -5 और a और b की कीमत आ गई 7/6 यहां से, ठीक है। तो 3 7 21, 6 का 6 + 5 7 7 आ गया, 7 5 35 / 6। अब इनका लेंगे LCM, ठीक है, LCM लेने का तरीका मैंने बताया है, जिसका कोई नहीं उसका 1 6 1 9 6, तो ये 6 6 सेम है, तो 21 को वैसे ना वैसे आ गया, 1 6 × 6 6 5 × 30। अब इधर भी LCM 6 1 × 6, और इधर 1 का टेबल में 6 आता है 6 × 30, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42 और 6 6 से कैंसिल हो जाता है, सेम है, तो 35 वैसे का वैसे आ गया। तो हमारे पास 21 और 3 को ऐड किया तो 51 और 42 में से -35 को माइनस किया तो 7 आ गया। तो ये हमारी आ गई फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे, हमने रेशो में आंसर लाना है, तो इसको मैं फ्रैक्शन को फिर दोबारा रेशो में चेंज कर दूंगा, 3a + 5b = 7b - 5a = 51:7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का रिजल्ट। ओके गाइस, कैसा लगा मेरा लेक्चर आपको? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और दरमियान से स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सके, और मेरे चैनल वर्ल्ड मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।